दोस्तों आज रूस ने दिखा दिया कि आखिर क्यों 140 करोड़ भारतीय उसे अपना जिगरी यार मानते हैं। G20 के महाकुंभ में रूस ने भारत के लिए वीटो की हुंकार भर दी है। अब दुनिया की कोई भी महाशक्ति भारत को परमानेंट सीट पाने से रोक नहीं सकती। चीन हो या अमेरिका, फ्रांस हो या ब्रिटेन, सब ने इस बात को स्वीकारा है कि अगर दुनिया को बचाना है तो भारत को परमानेंट सीट पर बिठाना है। भारत में आयोजित G20 के मंच से रूस ने खुलेआम ऐलान करते हुए कहा है कि UN में तुरंत रिफॉर्म लाने की जरूरत है और भारत को परमानेंट सीट जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। रूस ने G20 देशों को चेतावनी दी है कि आप लोग यूक्रेन को लेकर बखेड़ा बंद कीजिए और भारत को वीटो दिलाकर विश्व का कल्याण कीजिए। भारत का सबसे विश्वसनीय साथी, जिसने 1971 में भारत पर परमाणु हमले होने से बचाए थे, जब ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस तीनों मिलकर भारत पर परमाणु हमला करना चाहते थे, उस वक्त हमारा जिगर का टुकड़ा रूस अपने सारे हथियारों का जखीरा लेकर मैदान में कूद गया था, जिसके बाद पश्चिमी देशों की रूह कांप गई थी और वे लोग हथियार डालकर दुम दबाकर भाग गए थे, जिसके बाद आप सभी जानते हैं कि भारत ने इतिहास बनाते हुए पाकिस्तान को चीर दिया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। आज उसी रूस ने भारत को और मजबूत बनाने की मुहिम छेड़ दी है। रूस चाहता है कि भारत को सर्वशक्तिमान बनाया जाए। रूस ने न केवल हमें हथियार दिए बल्कि हमें जीवन जीने का रास्ता दिखाया है। पहले हम लोग पश्चिमी देशों से डर कर रहा करते थे। उन्होंने हमें सैकड़ों सालों तक गुलाम बनाकर रखा था। जाते जाते उन्होंने मां भारती के टुकड़े कर दिए और आज वे भारत को और कमजोर देखना चाहते हैं। उन्हें भारत और रूस की दोस्ती से दिक्कत होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा रूस हर तरफ से हमारी मदद में सबसे आगे खड़ा रहता है, चाहे बात अंतरिक्ष की हो या परमाणु बम बनाने की। हर मामले में रूस ने भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। रूस ने भारत को दिन प्रतिदिन एक स्ट्रॉन्ग नेशन के तौर पर स्थापित किया है। G20 के पवित्र अवसर पर रूस ने भारत को वीटो देने की बात छेड़कर 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया है। एक बार फिर से पूरे देशों में भारत के लोग रूस की वफादारी को देखकर गदगद हो गए हैं। जिस तरह से पश्चिमी देशों ने यूक्रेन मुद्दे को लेकर भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। हालांकि रूस बार बार भारत से माफी मांग रहा है। उसका कहना है कि पश्चिमी देशों को माफ करो, वे सुधरने वाले नहीं हैं। रूस हमेशा ही भारत को किसी बड़े युद्ध में धकेलने से बचाता आया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत और चीन में विस्फोटक युद्ध हो जाए। वे चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ते रहें, ताकि वे लोग एक बार फिर से भारत को गुलाम बना सके। लेकिन हमारा भारत और आत्मनिर्भर बन चुका है। हमारी प्राचीन संस्कृति के दम पर आज हमारी विरासत झलक रही है। UNSC भी रोज शर्मिंदगी में जी रहा होगा, क्योंकि भारत जैसा महान देश उसके परमानेंट सदस्यों का हिस्सा नहीं है। दुनिया की कोई भी संस्था हो जहां भारत की पवित्र उपस्थिति ना हो, आखिर वह कैसे कारगर हो सकती है? आज UN हर मौके पर विफल साबित हुआ है। वह ना तो महामारी रोक पा रहा है और ना ही युद्ध। ऐसे में अगर UN के नियमों को नहीं बदला गया होता तो फिर G20 ही अगला UN बन जाएगा। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूरे देश का हौसला जरूर बढ़ाएं। Thank you.